हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, आज से हम मेजरेबल फंक्शन देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। लेक्चर नंबर 10, मेजरेबल लेवेक मेजरेबल फंक्शन। लेवेक मेजरेबल फंक्शन क्या होते हैं? डेफिनेशन है, लेट ई बी अ मेजरेबल सेट। ठीक है, हमने एक मेजरेबल सेट लेना है। ठीक है, हम पहले पहली यूनिट में हम पूरा मेजरेबल सेट पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेजरेबल सेट लेना है ए ई को एंड डिफाइंड अ फंक्शन फंक्शन एफ ओवर ई। ठीक है, एक फंक्शन एफ डिफाइंड करना है ओवर ई, दैट इज एफ एफ सेट। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ई टू आर। ठीक है, जो रियल नंबर है आर पे जा रहा है, मतलब हमने कोई यहां से कोई फंक्शन लेना है, मतलब ई है हमारे पास। कोई भी मेजरेबल सेट, कोई भी इंटरवल दिया हो सकता है, कोई भी सेट दिया हो सकते हैं। ठीक है, नंबर से, ठीक है, कुछ भी दिया हो यहां से, मतलब ये हमारा ई है और किस पे जा रहा है पूरा, ये जो y f x जो रियल नंबर है ये वाली, इस पे जा रहा है। ठीक है, पूरे रियल नंबर पे कहीं भी आ सकता है। ठीक है, हमारे पास कुछ भी मिल सकता है ऐसे फंक्शन। ठीक है, देन f इज सेट टू बी मेजरेबल फंक्शन x। f को हमने a में e मेजरेबल सेट लिया, f को हमने फंक्शन ऐसे डिफाइन करा, और f को जो फंक्शन हमने डिफाइन करा उसे मेजरेबल फंक्शन हम तब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ हमें जो हम सेट निकालते हैं फंक्शन, जब हम फंक्शन निकालते हैं कि हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा, तो हमारे पास फंक्शन के लिए क्या आएगा, जो हम f को मेजरेबल तब कहेंगे ई बिलोंग्स x बिलोंग्स टू ई। ठीक है, जो x वो होगा एलिमेंट होगा, कहां से बिलोंग करेगा, ई से, एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, सच देट एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, जो हमें फंक्शन मिलेगा। ठीक है, मतलब हमने जो ग्राफ बनाया, ठीक है, हमने जो भी ग्राफ बनाया एफ एक्स का ग्राफ बनाया। ठीक है, हमने कोई यहां से ये a क्या है, ग्रेटर एफ एक्स इज ग्रेटर देन a, मतलब एफ एक्स की वैल्यू कहीं पर a आई। ठीक है, कहता है x नॉट पर, कहता है x की वैल्यू, जहां पर हमने x की वैल्यू रखी वहां पर क्या है हमारे पास a आया, एफ एक्स इजिकल टू a आया। ठीक है, माना हमारे पास a यहाँ आ गया। ठीक है, हमारे पास a एफ एक्स इजिकल टू a यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमने क्या लेना है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन a। ठीक है, वो वाले सारे एलिमेंट लेना है, एक्स के एलिमेंट लेने जहां पर एफ एक्स क्या हो, a से ग्रेटर देन हो। ठीक है, मतलब हमारे पास जो मेजरेबल फंक्शन तब कहलाएगा है कि हमारे पास ये जो एक्स एक्स एलिमेंट लेना है। ठीक है, एक्स एलिमेंट ऐसे आएंगे जहां पर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो। ठीक है, जब तक हमने माना हमारे पास एफ एक्स ग्रेटर एफ यहाँ पर ए देखा। ठीक है, हमने ए ले लिया पॉइंट, यहाँ पर ले लिया हमने माइनस फाइव ले लिया। ठीक है, माइनस फाइव से ग्रेटर देन सारे एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ माइनस फाइव से ग्रेटर देन ये होगा एफ एक्स। ठीक है, जो भी फंक्शन आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, वो ही देखने की एफ एक्स फंक्शन ग्रेटर देन कहां, किस किस वैल्यू पे आ रहा है, एक्स के किस किस वैल्यू पे, एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स के फॉर्म, मतलब जैसे हमने, सॉरी चलो एग्जाम्पल से देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया हमने। ठीक है, एफ एक्स माइनस फाइव पे, ये क्या आएगा, माइनस फोर, माइनस फाइव आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन बना कुछ ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस फाइव होगा, कुछ माइनस फाइव होगा, तो हमें जो हमारे पास जो मेजरेबल फंक्शन तक कहलाएगा, जो हमारे पास क्या हो, जो हम इसको निकाले, जो हम ये वाला निकाले, मतलब एफ एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन माइनस फाइव। ठीक है, हमने ले लिया एफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फाइव होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा यहाँ से पूरा। ठीक है, तो वो वाली एक्स की वैल्यू लेनी है। ठीक है, जहां पर एफ एक्स में ग्रेटर देन माइनस फाइव ले ले, माइनस फाइव आए। ठीक है, माइनस फाइव का आ रहा है, माइनस फाइव का आ रहा है, बाकी सारे जो हमारे पास, फिर ये क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास एक्स एस आ जाएगा, हमारे पास सेट आएगा माइनस फाइव से इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स की किस किस वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन माइनस फाइव हो। ठीक है, अगर माइनस माइनस फाइव से, सॉरी माइनस फाइव ही लेना इसमें। ठीक है, तो माइनस फोर लिया, माइनस फोर माइनस फाइव से ग्रेटर हुआ। ठीक है, एफ एक्स, जब हमने एफ एक्स माइनस फोर लेंगे, ये माइनस फोर ग्रेटर देन माइनस फाइव है। एफ एक्स माइनस थ्री लिया, तो ये माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस फाइव है। ठीक है, तो वही बोला कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास एफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन ए हो जाए। ठीक है, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या हो, हमारे पास ग्रेटर देन ए हो जाए। और जो भी हमारे पास ये निकलेगा, जो भी सेट निकलेगा उसके बाद, जो भी सेट निकलेगा इज अ मेजरेबल सेट। ठीक है, जो भी हमारे पास ऐसा जो जो x इसको सेटिस्फाई करे, और जो सेट निकलेगा उसके बाद वो क्या होना चाहिए, हमारे पास मेजरेबल सेट होना चाहिए। जैसे ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस फाइव टू इंफिनिटी, मेजरेबल है ये, क्या हो गया, ये मेजरेबल है कि नहीं है, है ना, क्योंकि हमने पहले मेजरेबल सेट में पढ़ चुके हैं, बोरर सेट में सारे निकाल चुके हैं, जो भी इनफाइनाइट, ओपन इनफाइनाइट,
ये सारे हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं कि मेजरेबल सेट है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये सेट निकलेगा, ठीक है, ये वाला जो भी हमारे पास ये x को सेट, x सेटिस्फाई करेगा कि f(x) ग्रेटर देन a हो जाए, तो हमारे पास जो भी ये सेट निकलेगा ये क्या होना चाहिए, मेजरेबल सेट आना चाहिए, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं e f ग्रेटर देन a, ठीक है, e f ग्रेटर देन a, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है, सारे मतलब r यहां है, ये यहां से आएगा, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, ठीक है। दैट इज यहां पर देखो हमारे पास क्या आया, इस तरीके से आया एफ इनवर्स ए टू इंफिनिटी, ठीक है, जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास एफ आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहां पर देखो, यहां पर आएगा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, यहां पर किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, कुछ क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे कुछ इंटरवल में आएगा, ठीक है, एक्स वन से एक्स टू ले लिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, तो ये वाला क्या है, एफ इनवर्स ए टू इंफिनिटी है कि नहीं है, यहां से देखो ये ग्रेटर रहना है ए टू इंफिनिटी, कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक कहीं भी जा सकता है, ठीक है, तो वो इसके बराबर ही तो है, ये इसके बराबर है कि नहीं है, एफ इनवर्स ए टू इंफिनिटी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये क्या हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, इसको हम इनवर्स फंक्शन ऑफ ए टू इंफिनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम इनवर्स फंक्शन ऑफ ए टू इंफिनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एफ इनवर्स ए टू इंफिनिटी x belongs to is such that f(x) is greater than a, ठीक है, मतलब f inverse a to infinity x belongs to f(x) कहाँ से belongs करेगा, यहाँ से belongs करेगा f(x), f(x) belongs to a to infinity, क्योंकि यहाँ पर देखो f(x) की value ली थी हमने, ये थे a to infinity f(x) की value आ रही थी सारी, हाँ आ रही थी, नहीं आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ से, तो where a to infinity is inverse image of e, ठीक है, ये किसकी inverse image है, e की inverse image है, ठीक है, and e f is इस सबसेट ऑफ ई, जो भी यहाँ पर ई एफ आएगा ये सबसेट ऑफ ई का तो होगा, ठीक है, ई हमने कोई भी सेट लिया ये ई का सबसेट ही तो होगा, ठीक है, ई हमने अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा इंटरवल ले ले, ई को भी आ ले ले, तो ये क्या आएगा, ई का सबसेट ही तो आया, ठीक है, तो जहां जो ई है, ई एफ है, एफ भी ग्रेटर देन ए क्या आएगा, सबसेट ऑफ ई है, ठीक है। मेन क्या है, अगर इसको मेजरेबल, अगर ये दिया होगा ये मेजरेबल सेट है, तो हम कह देंगे कि एफ इज मेजरेबल फंक्शन, ठीक है, जो आगे थ्योरम आएगी वो ही प्रूफ करना है कि इसको अगर हमने ये ऐसे कुछ आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन और ये मेजरेबल सेट बन गया, तो हमारे पास क्या कहेंगे, जो एफ आएगा वो क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ये है पॉइंट है, सबसेट ऑफ मेजरेबल सेट, मेजरेबल सेट का सबसेट नीड नॉट बी मेजरेबल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है 0,1 क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है, ये मेजरेबल सेट होता है, लेकिन इसमें एक सबसेट निकाल लेते हैं हम, जो क्या होता है, नॉन मेजरेबल होता है, इसमें एक सबसेट ऐसा आता है, इस इंटरवल में एक मेजरेबल नॉन मेजरेबल सेट भी मिलता है, ठीक है, तो जरूरी है कि हर सबसेट मेजरेबल सेट का मेजरेबल हो, ठीक है। इसमें एक थ्योरम है, कांस्टेंट फंक्शन इज अ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है, हमें कोई कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है वो क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा, ठीक है। लेट हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया ई से माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी such that fx is equal to k, given है, constant है गया, for all x belongs to e, ठीक है, सारे जितने भी x e में belongs करे, सबके लिए हमारे पास fx क्या आएगा, k आएगा, ठीक है, constant हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। तो अब देखो, तो हमारे पास ये क्या आएगा, let a belongs to r, real number, यहाँ a कहाँ, इसमें, ठीक है, co-domain, sorry ये domain है, ये वाला हमारे पास क्या है, domain में belongs कर रहा है, ठीक है, a कहाँ से आ रहा है, domain से, ठीक है, डोमेन कोडोमेन सॉरी ये कोडोमेन ये डोमेन होता है ये कोडोमेन देन तो हमारे पास ये जो हमने ये क्या आएगा हमारे पास x belongs to e such that f(x) is greater than a यहाँ पर ये क्या आएगा e आ जाएगा if a is less than sorry a is less than k और phi आ जाएगा if a is greater than k ठीक है देखो कैसे यहाँ पर अगर हमने पहला वाला ठीक है पहला वाला लिया यहाँ पर a ले लिया ठीक है यहाँ पर a ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा f(x) is greater than a ठीक है तो ये वाला होगा f(x) greater than a ये पूरा किसके लिए आ जाएगा देखो e के लिए ठीक है सारे मतलब ये कांस्टेंट हो गया अगर a क्या है वही बोला कि a is less than k है ठीक है तो हमारे पास जो f(x) आएगा पूरा e आएगा नहीं आएगा यहां से देखो ये f(x) ये greater than a है ठीक है तो ये पूरा देखो यहां इनवर्स इमेज ठीक है इनवर्स इमेज ठीक है तो हमारे पास क्या आएगा पूरा e आया नहीं आया ये f(x)
ए इज ग्रेटर देन के, ए इज लेस देन के है, तो हमें पूरा एफएक्स याद है, एफएक्स इज ग्रेटर देन ए, पूरा ये एफएक्स इज ग्रेटर देन ए है पूरा, ठीक है, सारे एक्स के लिए हमारे पास एफएक्स इज ग्रेटर देन ए आ रहा है, मतलब पूरा हमारे पास क्या आ रहा है, पूरा ई आ रहा है, ठीक है। और अगर हमने दूसरे इसमें बोला है कि हमारे पास क्या है, दूसरा बोला कि अगर हमारे पास ये के है और यहाँ पर क्या है ए, ठीक है, ए हमारे पास क्या आ गया, के से बड़ा हो गया, ठीक है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो मतलब तो हमारे पास फंक्शन नहीं मिलेगा, हमारे पास फंक्शन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रेटर देन ए से फंक्शन कोई एग्जिस्ट कर नहीं कर रहा, क्योंकि ए ए के नीचे हमारे पास जो भी फंक्शन है, ये हमारे पास यही फंक्शन है, वो क्या है ए के नीचे है, तो हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये फाई आएगा हमारे पास, ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो ए से बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे फाई आएगा, वही हमने लिखा है फाई, इफ ए इज ग्रेटर देन के, तो हमारे पास ये जो सेट आएगा वो आएगा ई इफ ए इज लेस देन के और फाई जब इफ ए इज ग्रेटर देन के, ठीक है, ये क्या है, इन बोथ केसेस सेट इज मेजरेबल। देखो दोनों केस में ये तो मेजरेबल सेट है, ये गिवन होता है, देखो ई इज मेजरेबल सेट और फाई भी क्या होता है, हमेशा मेजरेबल होता है, ठीक है, मेजरेबल सेट में देख चुके हैं दोनों सेट में, इन बोथ केसेस सेट इज मेजरेबल, दोनों क्या है मेजरेबल है, हेंस जो मैं पास इसको एस ले लू, ठीक है, एफ इज मेजरेबल सेट, हेंस एफ इज मेजरेबल फंक्शन, ठीक है, मतलब हमने अगर इसको मेजरेबल सेट दिखा दिया तो हमारे पास एफ क्या मिल जाएगा, मेजरेबल फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं पर प्रूफ में अगर एफ हमें मेजरेबल फंक्शन देता है, इसका मतलब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया, तो हमारे ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है, और थ्योरम्स है इस पर बेस्ड, देखते हैं उसे, देखो थ्योरम, देखो थ्योरम है, so that the following statements are equivalent if E is a measurable set and F is a function from E to R, ठीक है, ये real number है, is measurable function on E and for all A belongs to R, मतलब हमें क्या दे रखा है, ये चार जो steps, चार statements है, ये क्या है equivalent है, मतलब अगर हम इसको लेंगे तो ये proof हो जाएगा, इसको लेंगे या इसको लेंगे तो ये proof हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये proof हो जाएगा, इसको लेंगे ये proof हो जाएगा, इसको लेंगे ये proof हो जाएगा, और इसको लेंगे ये, इसको लेंगे तो ये, मतलब सारे क्या है इक्विवेलेंट है, ठीक है, मतलब कोई से भी एक लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे साइकिल वे में करेंगे, ठीक है, इस प्रूफ को हम एक साइकिल वे में करेंगे, मतलब पहला वाला करेंगे, फिर पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर चौथे से पहला, ठीक है, ये साइकिल में हो जाएगा, तो हमारे सारे क्या निकल जाएंगे इक्विवेलेंट, पहले से दूसरे पे जाएंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा तीसरे को प्रूफ करेंगे, तीसरा लेंगे चौथे को प्रूफ करेंगे, चौथे को लेंगे पहला प्रूफ करेंगे, ठीक है, एक साइकिल वे में चलेंगे, ठीक है, इसे मतलब बोल क्या रहा है, ई हमें मेजरेबल सेट दे रखा है और एफ फंक्शन दे रखा है ई से आर तक, ठीक है, और फॉर ऑल ये जो ए ले रहे हैं हम, ए क्या है बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, देखो पहले उसमें मैंने कुछ वो बताया था, यहाँ पर जो एफ इनवर्स निकला था वो कैसे निकला था, ठीक है, एफ इनवर्स यहाँ पर ए टू इंफिनिटी एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट दे रखा था, ठीक है, मतलब एफ एक्स हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, माइनस ए टू इंफिनिटी, ठीक है, एफ एक्स जो क्या है माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए है, तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन लगाएंगे तो एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर एफ इनवर्स ए टू इंफिनिटी, ठीक है, ओपन इंटरवल ए टू इंफिनिटी, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रही है एक्स की वैल्यू तो आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एक्स की वैल्यू है, तो एक्स को हमने ये लिख दिया एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ए टू इंफिनिटी, जो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर भी क्या आएगा इंटरवल आएगा या सिंगल का सेट कुछ भी आएगा वो ही आएगा, ठीक है, एक्स वन से एक्स टू, तो ये क्या है इसके बराबर लिख दिया, ठीक है, एक्स क्या है जो भी एक्स एलिमेंट आएंगे यहाँ से बिलोंग करेंगे, ठीक है, और जो सारा इसको सेटिस्फाई कर जाएगा एक्स की वैल्यू तो ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एफ इनवर्स ए टू इंफिनिटी इसलिए लिखा इसको इक्वल इसके बराबर इक्वल सॉरी इसके बराबर इक्वल इसे इसकी वजह से लिखा, ठीक है, यहाँ से हमारा ये जो ये निकला, ठीक है, अब देखो हम प्रूफ देखते हैं, हमें पहला अगर हम पहला लेके चले मतलब पहला हमको गिवन है दूसरा हमें प्रूफ करना है, ठीक है, फर्स्ट गिवन है लेट लेट एफ बी ए मेजरेबल, ठीक है, एफ मेजरेबल फंक्शन दिया है, ठीक है, एफ मेजरेबल फंक्शन दिया है
और ई क्या है हमारे पास मेजरेबल सेट है, ठीक है। अब क्या करना है इसको जो हमारे पास ये है ये क्या है मेजरेबल सेट दिखाना है, सबको मेजरेबल सेट दिखाना है, तभी हमारे पास एफ मेजरेबल फंक्शन दे रखा है, ठीक है। मतलब एफ हमारे पास मेजरेबल फंक्शन दे रखा है, मतलब ये कंडीशन जो ये कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मतलब ये कंडीशन अगर एफ मेजरेबल फंक्शन दे रखा मतलब ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी हमारे पास निकल सकता है, ये भी, ठीक है। तो अब देखो हमने इसको लिया एफ पहला है, ये हमको गिवन है फर्स्ट लिया, फर्स्ट से सेकंड ए हमने हमने इसको अलग अलग लिया, मतलब फर्स्ट से सेकंड इक्विवेलेंट दिखाना है, मतलब फर्स्ट गिवन फर्स्ट लेना है सेकंड को प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे हैं हम, फर्स्ट को लेकर सेकंड पे जा रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लेट ई एफ ग्रेटर देन ए इज मेजरेबल सेट, ठीक है, टू प्रूफ ई एफ ग्रेटर इक्वल टू, यहां पर क्या रहा है ग्रेटर इक्वल टू ए इज मेजरेबल सेट, ठीक है। अगर इक्वल साइन भी होगा तब भी क्या होगा मेजरेबल सेट होगा, सिंस ई ए एफ इज ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ई एफ ग्रेटर देन ए माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एन, ठीक है। इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, सिंस वी कैन राइट इसको हम इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट ई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ई एफ ग्रेटर देन ए माइनस 1 बाई एन, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सिंस यहाँ पर देखो ई एफ ग्रेटर देन ए माइनस 1 इज मेजरेबल सेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है मेजरेबल सेट होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, देखो कैसे एस ई एफ ग्रेटर देन 1 माइनस ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर से देखो ये हो गया, यहाँ से हमें क्या है ये सारे क्या है ये देखो ए की जगह ए माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं इसको बी कर दो, तो एफ इज ग्रेटर देन बी, ये मेजरेबल सेट है, ये गिवन है। वैसे यहाँ पे एफ ग्रेटर देन ए माइनस 1 बाई 2 उसको सी लिख दो, ये क्या होगा मेजरेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ये भी मेजरेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, दोनों का हमने क्या लिया इंटरसेक्शन लिया, देखो यहाँ पर ये एफ एक्स का हो गया, यहाँ पर ये ए हो गया ए माइनस 1, यहाँ पर आएगा ए माइनस 1, ए माइनस 1 बाई 2, ये ए माइनस 1 बाई 2 ले लो और ये ए ले लो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो तो यहां से देखो एफ ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये एफ एक्स ग्रेटर देन 1 माइनस 1 ये हो गया, ये एफ एक्स हो गया यहां से यहां तक, ये वाला हो गया एफ एक्स ग्रेटर देन ए माइनस 1 बाई 2, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। तो हम दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन ले ई एफ ग्रेटर देन ए माइनस 1 बाई एन इंटरसेक्शन ई एफ ग्रेटर देन ए माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू कौन सा वाला आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे जो छोटा है वो ही आएगा, ठीक है। ये यहां से यहां से यहां से देखो इतना ज्यादा हो रहा है इसमें, ठीक है, इतना क्या आ रहा है एफ एक्स क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये छोटा वाला है तो हमारे पास ये आएगा ई एफ ग्रेटर देन वन ए माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये भी क्या मेजरेबल सेट है, यहां से ये मेजरेबल सेट आ गया, ठीक है। तो अगर इसका आर्बिट्री इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ले लिया इंटरसेक्शन एन इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ई एफ ग्रेटर देन ए 1 माइनस एन इज मेजरेबल सेट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्यों ये इंटरसेक्शन क्यों मेजरेबल सेट होगा, बिकॉज काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट, ठीक है। काउंटेबल इंटरसेक्शन मेजरेबल सेट का क्या होता है मेजरेबल सेट होता है, ठीक है। तो नाउ यहां पर से हमने इसको इंटरसेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिमिट लगा दी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई एफ ग्रेटर देन 1 माइनस एन ई एफ ग्रेटर देन ए माइनस 0, ठीक है। यहां पर ए हो गया, ये हो गया ए, यहां पर से 0 माइनस करा तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा लेफ्ट साइड को खिसक जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा ये ए पूरा आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ओपन इंटरवल है तो हमने यहाँ पास क्या आएगा ए माइनस 0 करेंगे तो ए क्या आ जाएगा पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, एफ इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ठीक है, एफ इज ग्रेटर इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब ए इधर को खिसक जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो ए माइनस 1 यहाँ आएगा ना, ठीक है। तो वैसे ही माइनस 0 करो तो लेफ्ट साइड को आ जाएगा, ठीक है, मतलब ए इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ए इसमें इंक्लूड नहीं है, उसके बाद क्या होगा ए इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ये निकला था, मतलब यहाँ से ये क्या निकल गया मेजरेबल सेट निकल गया, ये मेजरेबल सेट निकल गया और ये इसके बराबर आ गया, ठीक है, ठीक है, इसके बराबर दे रखा, तो हमारे पास हैंस ई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज मेजरेबल सेट, ये भी हमारे पास क्या निकल गया मेजरेबल सेट निकल गया, ठीक है। अब देखो बी है सेकंड लेना है, थर्ड हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो बी सेकंड इंप्लाइज थर्ड, ठीक है, मतलब सेकंड को लेना है, थर्ड हमने निकालना है, ठीक है। लेट ई एफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी मेजरेबल सेट, ये मेजरेबल सेट हो गया, टू प्रूफ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, टू प्रूफ हमें क्या करना है ई एफ
एफ इज लेस देन ए, ठीक है, एफ इज लेस देन ए इज नेजिबल सेट, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू, ठीक है। अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, ई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ लेस देन ए, ठीक है। मतलब यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यहां पर है ये ए, ठीक है, एफ ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन ए, तो ये वाला है, ठीक है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेस देन आएगा, ये वाला आएगा, तो एफ एफ एक्स इज लेस देन ए वाला, ये वाला साइड आएगा, ठीक है। यहां पर क्या, एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू साइन ये वाला है, और एफ एक्स लेस देन ए वाला ये वाला है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये मेजरेबल सेट होगा, क्योंकि ये मेजरेबल है, ये इज अ मेजरेबल सेट, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल सेट का क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है, ठीक है। तो यहां से ये सेकंड से थर्ड प्रूफ हो गया। अब थर्ड से हम फोर्थ को देखेंगे, फोर्थ से फर्स्ट वाला देखेंगे, ठीक है। देखो अब है सी, हमने ले लिया थर्ड इंप्लाई फोर्थ, ठीक है। थर्ड इंप्लाई फोर्थ, लेट ई एफ इज लेस देन ए इज मेजरेबल सेट, ठीक है। ये है हमारे पास मेजरेबल सेट दिया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। टू प्रूफ क्या करना है, ई एफ लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू साइन भी है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू ए इज मेजरेबल सेट, हमने इसको प्रूफ करना है। रिप्लेस ए बाई ए को हमने किसे रिप्लेस कर दिया, ए प्लस वन बाई एन से इन थ्री, ठीक। थ्री में हमने क्या कर दिया, ए को ए प्लस वन बाई एन से हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई वी गेट, यहाँ पर लिख सकते हैं, वी गेट ई एफ इज लेस देन ए प्लस वन बाई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। नाउ हमने एन की दो वैल्यू रख दी, एन इज इक्वल टू वन और एन इज इक्वल टू टू रख दिया, ठीक है। एफ ई एफ लेस देन ए प्लस वन, ई एफ लेस देन ए प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो बोथ आर मेजरेबल सेट, ठीक है। अगर हमने इसको देखो बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इससे हमारे जो हमें गिवन है, एफ इज लेस देन बी मेजरेबल सेट, एफ इज लेस देन सी ये मेजरेबल सेट होगा, बोथ आर मेजरेबल सेट। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर एफ हमारे पास लेस देन ए है, यहाँ पर ए है, ठीक है। तो एफ जो हमारे पास सेट आएगा इस सेट से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एफ प्लस ए प्लस वन बाई टू ए प्लस वन, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये देखो यहां से बड़ा वाला एफ आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, ये बिगर होगा, और ये यहां से लेकर ये स्मॉलर होगा, ये वाला एक्स्ट्रा आएगा इसमें, यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यूज आएंगी, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये वाला आएगा यहां से लेकर यहां तक वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ई एफ लेस देन ए प्लस वन बाई टू इज मेजरेबल सेट, ये भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा, क्योंकि यहां पर से देखो बहुत मेजरेबल है। सो हम तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन लेंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। आर्बिट्री हमने काउंटेबल इंटरसेक्शन लिया इनका, एन इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी, ई एफ लेस देन ए प्लस वन वाई इज मेजरेबल सेट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, बिकॉज काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट, ठीक है। तो अब देखो इंटरसेक्शन हम नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी, ई एफ लेस देन ए प्लस वन बाई एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ई एफ लेस देन ए प्लस वन बाई एन, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एफ लेस देन ए प्लस जीरो, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर ए इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये ओपन है, ठीक है। अगर प्लस जीरो कर दिया तो ये क्या राइट साइड को चल जाएगा और ए इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एफ लेस देन ए प्लस जीरो, मतलब एफ ई एफ इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन था, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इक्वल साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी, ई एफ लेस देन ए प्लस वन बाई एन इक्वल टू ई एफ लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो हैंस क्योंकि ये मेजरेबल सेट हो गया, हैंस ई एफ लेस देन इक्वल टू ए इज मेजरेबल सेट, क्योंकि ये इंटरसेक्शन क्या हमारे पास, मेजरेबल हो गया, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ गया, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, मेजरेबल सेट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरे से चौथा हमने प्रूव कर दिया। अब फोर्थ से फर्स्ट, ठीक है, हमने यहां से चल गए साइकिल पर, फर्स्ट से हमने सेकंड को प्रूफ कर दिया, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड प्रूफ हो गया, यहां पे ये फर्स्ट है, यहां से ये सेकंड प्रूफ हो गया, यहां से थर्ड प्रूफ हो गया, अब ये फोर्थ से थर्ड से यहां से ये प्रूफ हो गया, यहां से ये अब फर्स्ट फोर्थ से फर्स्ट वाला प्रूफ कर देंगे, तो सारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ से फर्स्ट, फोर्थ हमने देख रखा है, ई एफ इज लेस देन इक्वल टू ए इज मेजरेबल सेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। टू प्रूफ ई एफ ग्रेटर देन ए इज मेजरेबल सेट, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ
फोर्थ, फोर का कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, तो ई एफ लेसन इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या जाएगा, लेसन इक्वल टू, ठीक है, यहां पर क्या है, ये लेसन इक्वल टू है, यहां से आया ये आ गया, ये एफ क्या है, लेसन इक्वल टू ए, इस साइड को है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओपन के साथ आ जाएगा, ओपन आएगा, ठीक है, ओपन एफ इज ग्रेटर देन ए, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या आएगा, ई एफ ग्रेटर देन ए इज मेजरेबल सेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, मेजरेबल हो गया है, तो यहां पर लिख देंगे हैंस ऑल आर, हैंस ऑल आर इक्विवेलेंट, ऑल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, यहां पर लिख दो ऑल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट क्या हमारे पास इक्विवेलेंट आ गए यहां से, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड कहीं पर आपको समझ में नहीं आया, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो थ्योरम्स में, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल में पूछ लेना, ठीक है, और आपको प्रीवियस लेक्चर्स या क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको डाल दूंगी, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।